हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल टाउन ट्रेडर। यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, और हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते एक नया कॉइन रिव्यू। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर जाए। सो लेट्स गो। तो आज हम बात करेंगे एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है कार्डानो। हम जानेंगे इसका फंडामेंटल्स क्या है, इसके यूज केसेस क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल है, इसके करंट स्टैट्स देखेंगे हम, इसके फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सो कार्डानो प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ था और ये प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे बिटकॉइन फर्स्ट जनरेशन और इथेरियम सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन मानी जाती है, उसी तरह से कार्डानो थर्ड जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन माना जाता है। अब फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, उसमें काफी इश्यूज थे, लाइक स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे, इंटरऑपरेटेबिलिटी सस्टेन नहीं कर सकती थी ब्लॉकचेन ज्यादा, प्लस ब्लॉकचेन जनरेशन की भी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा थी। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए चार्ल्स होस्किंसन, जो इसके फाउंडर है, 2017 में कार्डानो प्रोजेक्ट लेकर आए। अब यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि कार्डानो एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है एंड एडा इसके ऊपर यूज की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। अब आज के टाइम में कार्डानो काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है क्योंकि ये इथेरियम का अल्टरनेटिव माना जाता है एंड दोनों के गोल्स भी काफी सिमिलर है। दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि पीयर रिव्यू रिसर्च के थ्रू बिल्ड हुई है। मतलब वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स एंड एक्सपर्ट्स ने इसकी ब्लॉकचेन क्रिएशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, इससे थोड़ा इसकी डेवलपमेंट जरूर स्लो एंड स्टडी हो गई है, बट इसका इस पर एडवांटेज ये कि कार्डानो हर स्टेप पे थोरोली वेरीफाइड है बाय द एक्सपर्ट्स। कार्डानो जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म यूज कर रहे, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म क्या है और ये किस तरह प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से अलग है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में क्या होता है, वैलिडेटर्स वैलिडेट करते हैं किसी नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन में एंड वहां से जो भी न्यूली मिंटेड क्रिप्टो होती है वो उन्हें एज अ रिवॉर्ड में मिल जाती है। ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से थोड़ा सा अलग है, जहां पे माइनर्स किसी भी नए ब्लॉक को माइन करते हैं एंड ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं। अब प्रूफ ऑफ वर्क के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में एक नोड को चूज किया जाता है ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ क्रिप्टो अपना डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, जिसे हम बोलते हैं स्टेक करना। अगर हम ट्रांजेक्शन स्पीड की बात करें तो कार्डानो की ट्रांजेक्शन स्पीड काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन स्पीड है कुछ 5 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एंड इथेरियम की देखें तो इथेरियम की कुछ 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, पर कार्डानो की ट्रांजेक्शन स्पीड है कुछ 257 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड कार्डानो एक नया लेयर भी ऐड करने वाला है जिसका नाम है हाइड्रा। बोला जाता है कि इस टेक्नोलॉजी के ऐड होने के बाद ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, नियरली 1 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई या तो फिक्स हो सकती है या फिर अनलिमिटेड हो सकती है, लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस, इससे ज्यादा बिटकॉइंस कभी नहीं हो सकते। सिमिलरली कार्डानो की भी सप्लाई फिक्स है, ओनली 45 मिलियन एडा। अब अगर फ्यूचर में कार्डानो पॉपुलर होता है तो इसी लिमिटेड सप्लाई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, जिससे इसका प्राइस काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। हम यहाँ करेंट स्टेट्स चेक करते हैं कार्डानो के क्या है। मैं कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कार्डानो यहाँ होल्ड करते हैं रैंक 3। हम अगर 7 डेज का देखें तो -1.16% माइनस में है ये इस टाइम पे, और 24 आवर्स में पर ही अच्छा कर रहा है, कुछ +5.81% अप है। इसका आज का प्राइस है कुछ $2.37। हम इसे एक्सपेंड करते हैं और इसकी डिटेल्स देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे एक्सपेंड किया और प्राइस इसका $2.37 है। आज 5.64% ये प्रॉफिट दे रहा है, ग्रीन है। मैक्स सप्लाई देख सकते हैं इसकी 45 बिलियन मैक्स सप्लाई है। सर्कुलेशन में इस टाइम पे 32.04 बिलियन एडा सर्कुलेशन में एंड मार्केट कैप इसकी है अराउंड 75 बिलियन। कार्डानो में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है क्रिप्टो मार्केट में और मुझे लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इसे इथेरियम का अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो उस हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अभी भी अंडर वैल्यूड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ द 2025 इसका प्राइस मैं देखता हूँ कुछ $10 के आसपास। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे प्राइस प्रेडिक्शन से एग्री करते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं आपका कोई कॉइन रिव्यू करूँ तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।